नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप आपका दूसरी चैनल का होस्ट आपका स्वागत करते हैं मेरे कुकिंग चैनल पे जिसका नाम है हेल्दी जायका। क्यों, नाम याद है ना? तो चलिए बनाते हैं आज की रेसिपी। आज हम बनाएंगे मशरूम मसाला। हाँ, मशरूम मसाला खाने में टेस्टी होता है, थोड़े स्पाइसेस हैं, बनाने में भी टाइम थोड़ा सा लगता है। तो आपको बिना इंतजार कराए आइए जानते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। आइए सबसे पहले जान लेते हैं हमारे मशरूम मसाला के इंग्रेडिएंट्स। ये हमारे कुछ तड़का के इंग्रेडिएंट्स, खड़े मसाले जो हमारे हैं, और ये हमारे ग्रेवी के इंग्रेडिएंट्स। थोड़े ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स हैं तो देख के घबराए ना, ये बनने लगेगा तो आपको पता भी नहीं चलेगा इतने सारे इंग्रेडिएंट्स आपने यूज़ किए हैं। चलिए बनाते हैं हम अपना मशरूम मसाला। सबसे पहले पैन में हम थोड़ा सा ऑयल ले करके अपना मशरूम को फ्राई कर लेंगे। तकरीबन 2 बड़े चम्मच से 3 बड़े चम्मच आप ऑयल ले लें। तेल गर्म हो जाने के बाद इसमें सबसे पहले हम फटाफट अपना मशरूम फ्राई कर लेते हैं। मशरूम फ्राई करने से जो मशरूम में एक्स्ट्रा मॉइस्चर रहता है वो खत्म हो जाता है, जिससे उसका रॉनिस का फ्लेवर एक होता है वो खत्म हो जाता है। ऐसे फ्राई करके बनाएं, अच्छा लगेगा आपको भी। ज्यादा नहीं फ्राई करना है, बस हल्का सा, कि हमारा मशरूम थोड़ा सा पानी उसका ड्राई हो जाए। बहुत टाइम नहीं लगेगा, तकरीबन 1 से 2 मिनट में आपका मशरूम फ्राई हो जाएगा। ये लीजिए, लगभग हमारा मशरूम हो गया। अब इसको हम निकाल लेते हैं। तो हमें ग्रेवी पकाने के लिए और ऑयल की जरूरत नहीं है, ये काफी ऑयल बचा है। इसमें हम अपने खड़े मसाले डाल करके 5 सेकंड वेट कर लेते हैं, हमारे मसाले फूट जाए। अब इसके बाद, फूटने के बाद, हम उसमें अपने खड़े लहसुन जो बारीक बिना काटे ऐसे ही मोटे मोटे हैं उनको, और अदरक और मिर्च बड़े बड़े टुकड़े ऐसे ही डाल के भूनेंगे, क्योंकि इनको हमको बाद में मिक्सर ग्राइंडर में पीसना ही है, तो ऐसे ही डाले कोई जरूरत नहीं है। प्याज को भी डाल के भून लें। 1 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे इसको भून लें। हमारा मसाला जो एक हमने डाल के रखा है ये हल्का सा ब्राउन हो जाए, प्याज वगैरह एक ब्राउनिश का फ्लेवर जो होता है बहुत बढ़िया आता है, इसको हल्का सा ब्राउन होने तक के लिए भून लें। तो इसमें हम अपना टमाटर डाल देंगे जो हमने हैंड चॉपर में काटा था। ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम बाद में इसको मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करेंगे ही करेंगे ना। तो अब इसको भी भून लेते हैं थोड़ी देर। थोड़ा सा काजू जो हमने अलग रखा था उसको डाल दें, इससे हमारे ग्रेवी में थोड़ा सा डेंसिटी आएगा और साथ में एक वाइटनेस भी आएगा। और इसमें कुछ हम अपने पीसे मसाले डाल लेंगे, जिसमें हमारा कश्मीरी लाल मिर्च है, धनिया पाउडर है और गरम मसाला है थोड़ा सा। इसको मुश्किल से 10 सेकंड भून लें और फिर मिक्सर ग्राइंडर में पीस लें, क्योंकि अभी हमको ग्रेवी को पीसने के बाद भी थोड़ा सा भूनना पड़ेगा। ये हमने पीस लिया है, पैन में अभी भी एक्स्ट्रा ऑयल की कोई जरूरत नहीं है, काफी ऑयल है। और हमने जो पीसा है उसमें भी कुछ ऑयल था, जो कि भूनने के बाद ग्रेवी छोड़ेगा ही छोड़ेगा। अब इसको भून लें, थोड़ा टाइम लगेगा, 3 से 4-5 मिनट तक अच्छे से भुने। ढक के भुनेंगे, जल्दी पकेगी तो ढक के पकाएं, जल्दी हो जाएगा आपका ग्रेवी। अब इसमें अपना कुछ जो बचे सूखे मसाले थे उसको भी डाल देंगे, जिसमें हमारा मीट मसाला था। हरे मटर भी हम अपना अभी ही डाल देंगे, जिससे वो ग्रेवी के साथ भुनाने के साथ थोड़ा पक जाए। उसके बाद कश्मीरी मिर्च और लास्ट में आपका कसूरी मेथी, उसको डाल के ग्रेवी के साथ ही भुने। नमक भी डाल लें इसी समय। हमारे सारे मसाले अब पड़ चुके हैं, बस हमको भूनना है ग्रेवी जब तक ऑयल न छोड़ दे अच्छे से। ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुश्किल से 2 से 3 मिनट में ग्रेवी आपका ऑयल छोड़ने लगेगा। अब इसमें हम अपना थोड़ा सा दही फेट करके रखे थे, बीट करके उसको डाल देंगे। दही को भी इसी समय डाल दें, क्योंकि ऑयल थोड़ा थोड़ा हमारा ग्रेवी छोड़ने लगा था, तो इस समय दही भूनेंगे
और उसका रॉनिस खत्म हो जाए, बस इतना ही, ज्यादा नहीं भुनना है। अपना फ्राइड मशरूम अब डाल दें, क्योंकि ग्रेवी हमारा लगभग लगभग ऑयल छोड़ दिया है, थोड़ा सा और भुने। उसको मिला के थोड़ी देर भुने। अब इसमें हम कुछ खड़े प्याज पील्ड ऑफ करके रखे थे वो डाल दे लास्ट में, क्योंकि ग्रेवी हमारा हो गया है। ऐसे प्याज डालेंगे तो अच्छा लगता है देखने में भी और खाने में भी। अब लास्ट में इसमें थोड़ा सा पानी, तकरीबन 1 कप पानी काफी है, अब डाल के बस ग्रेवी में उबाल आने तक पकाएं और लास्ट में धनिया के संग सर्व करें। जी फाइनली तैयार हो गया हमारा मशरूम मसाला, बस उबाल आ ही गया है, हमारा ग्रेवी पक गया है। अब इसको हम फ्लेम ऑफ करेंगे और गर्मा गर्म सर्व करेंगे, खाएंगे और खिलाएंगे। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है हमारा ना मशरूम मसाला, टेस्टी। थैंक यू देखने के लिए वीडियो। लीजिए बन गए हमारी मशरूम मसाला, क्यों अच्छी लग रही है देखने में ना, पराठों के संग खाएं या नान के संग खाएं, ये सब के साथ अच्छा लगता है। मुझे थोड़ा ग्रेवीदार पसंद है इसलिए मैंने थोड़ा ग्रेवीदार बनाया, अगर आपको थोड़ा ड्राई पसंद है तो ड्राई भी बना सकते हैं, दोनों तरह से ये अच्छा लगेगा। आज के लिए इतना ही, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब हम मिलेंगे इस चैनल के अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और याद रखिएगा, कुछ अच्छा खाना है तो अच्छा बनाना है, तो हो सके तो प्लीज अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दें, या अगर कोई आपको रेसिपी या चैनल से रिलेटेड कुछ सजेशन देने हो तो प्लीज 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 फीडबैक जरूर दीजिएगा। नमस्कार। अब मैं